हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4B, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। और हम आईसीएसई बोर्ड के कॉन्साइज मैथमेटिक्स की बुक है सेरेना पब्लिश की, उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसके राइटर आर के बंसल है। इससे पहले जितनी वीडियो बनी है उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें ये एक दो पार्ट्स हुए नहीं थे, कट गए थे। मैं भी चेक कर रहा था वीडियो, तो मैंने कि उस पार्ट से सॉल्व कर दे रहा हूँ, वरना हमने उस वीडियो में पूरा क्वेश्चन कोड करा था, पूरी वीडियो अपलोड नहीं है। लास्ट के 2 पार्ट्स रह गए हैं ना, कुछ पार्ट्स हो गए लास्ट कट गए, तो मैं यहाँ 4th के 5th पार्ट से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं है ना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन को। ना 5th पार्ट था आपका, हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनक्लूटीज ऑन द रियल नंबर लाइन। हमें इस इनक्लूटीज यानी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जो भी सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर सॉल्व शो करना है ना। चलिए करते हैं। तो 5th पार्ट था 1 + x = 5x - 11। तो क्या करेंगे, x को लेफ्ट से राइट में ले जाएं या इस 5x को राइट से लेफ्ट में, कहीं भी ले जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं x को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करा था मैंने, तो क्या हो गया, x तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो 1 = 5x - 11 तो यही, प्लस x लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस को ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा रूल कहलाता है, रूल 1। तो हमने यूजिंग रूल नंबर 1 करा यूज, तो क्या हो गया, 1 = 5x में से x सेपरेट करो 4x - 11। अब -11 को राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर दे, प्लस का हो जाएगा > 4x। जब माइनस का ट्रांसफर करते हैं तो ये किसके रूल में आता है, रूल नंबर 2 के अंतर्गत, तो यूजिंग रूल नंबर 2। ये मैं गलती अक्सर कर देता हूँ और पहले से ऐड कर देता हूँ, -11 रहेगा तो ओरल में 1 + 11 करके 12 रिजल्ट लिख देता हूँ, ये तो 11 आएगा +11। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, 1 + 11 कितना होगा, 12। 12 = 4x। क्या करें, +4 से बोथ साइड्स हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3, तो ये निकला है 3। जो है 3 की वैल्यू > x है एक्स के, जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीपल करते हैं तो कौन सा रूल लगता है, रूल 3। तो ये पता चल गया 3 = x, और इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये था कि x < 3। तो ये हमें सॉल्यूशन मालूम पड़ गया, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। मैंने जो पहले वाली वीडियो देखी थी उसमें से यहीं तक आया, उसके बाद वीडियो कट गई है, पूरी अपलोड नहीं हुई है, तो मैंने क्वेश्चन दोबारा कर दिया। 3 नंबर लाइन का, 3 नंबर लाइन का, 2 नंबर लाइन का, 1 इक्वल डिस्टेंस पर नंबर लाइन तो ड्रॉ करना था, 0 नंबर लाइन का, -1 नंबर लाइन का, -2 कितने लिख रहे हैं ये आपकी चॉइस है, 3 के आगे कितने लिख रहे हैं ये भी आपकी चॉइस है, बस बहुत है। अब 3 के साथ इक्वल का साइन भी है, < +3, तो 3 पर एक सर्कल बनाओ, और इक्वल का साइन होता तो बताया था, इसे भी हम डार्क कर देते हैं, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन है। < 3, जिस नंबर से भी कोई नंबर लेस देन है, वैसे तो नंबर लाइन में आपको दिखाई दे रहा है 3 से छोटे दर है, और नहीं भी अगर शो करते तो क्या होता है, लेफ्ट की तरफ होते हैं, तो लेफ्ट की तरफ एरो तक पूरा इसे आप थोड़ा थोड़ा डार्क कर दो। ये डार्क पोर्शन होता है, ये शो करता है जो हमारे पास इनक्लूटीज है उसका सॉल्यूशन, यानी कि ये डार्क लाइन जहां भी दिख रही है, आप कहीं भी उंगली ध्यान रख दी, मान लो ये है -3.5, तो देखो 3 से लेस देन है, सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट है इसके, जिसकी वैल्यू x < 3 है, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू है, तो ये नंबर लाइन पर शो हो गया। नाउ लास्ट पार्ट, 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6th पार्ट आपका है 2x + 5/3 > 3x - 3 > 3x - 3। 3 को क्या करें, बोथ साइड मल्टीपल कर दें, 3 पॉजिटिव 3 का मैंने क्या करा, दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया, कौन सा रूल लग गया, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है रूल 3। तो ये रूल 3 के अंतर्गत आ गया। इससे क्या फायदा हुआ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x + 5 > 3 का नंबर मल्टीपल कर दें, 3 * 3 = 9x, और 3 * -3 - 9। अब वेरिएबल एक साइड और कॉन्स्टेंट एक साइड, मैं इस 2x को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर देता हूं, या 9x को दर लिया उससे कोई फर्क नहीं है, मैं 2x को ले जाता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा, 2x इधर चलाएगा तो 5 रह गया, इज ग्रेटर देन 9x - 9 था,
2x लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करो तो माइनस के 2x हो जाएगा। कौन सा रूल हो गया, पॉजिटिव को ट्रांसफर करते तो फर्स्ट रूल के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया 5 इज ग्रेटर देन 9x माइनस 2x, कितना हो गया 7x माइनस 9। अब इस माइनस 9 को राइट से लेफ्ट में ले आया तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 7x। माइनस का ट्रांसफर होता है तो रूल 2 होता है, तो यूजिंग लिखना चाहिए यूजिंग लिख सकते हैं, यूजिंग रूल नंबर 2। 9 प्लस 5 14। अब क्या करें, बोथ साइड 7 से, तो 7 2 जा और 7 से कैंसिल हो गया। पॉजिटिव नंबर से या तो डिवाइड करें या मल्टीप्ली करें, वो रूल 3 होता है, तो ये रूल 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2। इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है। माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 नंबर लाइन का 4 बस बहुत है। अब हमें सॉल्यूशन सेट क्या आया, एक्स की वैल्यू जो है 2 से छोटी है, प्लस 2 पर एक सर्कल बनाएंगे और उसको आप फिल नहीं करोगे क्योंकि इक्वल का साइन लेंगे। छोटी लेस देन का मतलब लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ कहां तक, ये इनफाइनिट तक, जहां तक एरो बनना है यहां तक आपको इसको डार्क कर देना है। बस क्या ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, सर्किल नहीं होगा, सर्किल मतलब 2 की वैल्यू डार्क कब होती है, जब इक्वल का साइन लगा होता। तो दिस ग्राफ शो कर रहा है एक्स इज लेस देन 2। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जो कि पिछली वीडियो में नहीं करा था लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ, पता नहीं कैसे करेंगे, मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने ये दो पार्ट्स लगे कर दे रहे, लेकिन और भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर लिखा या कैपिटल आर भी ले सकते, कैपिटल आर सिंबल रियल नंबर का होता है ना। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। इवेलुएट एक्स एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर नंबर लाइन, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद इसको नंबर लाइन पर भी शो करना। तो सेम ऊपर की तरह हो गया, कौन सा क्वेश्चन कहा था हमने 3 में, जिसमें हमें डबल दो पार्ट्स हैं, इंक्लूडिज हैव टू पार्ट्स वाला है ना क्वेश्चन नंबर 3 जो था, देखा दो दो इंक्लूड लगी थी इस तरीके से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो दिस इन इक्वेशन हैज टू पार्ट्स, पहले तो लिख लो, चलो हैज टू पार्ट्स, इनको सेपरेट कर दो, इस वाले इंक्लूड को छोड़ दो, क्या बचा, माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस 2x, तो लिख लो माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस 2x, एक तो ये है एंड दूसरा, अब इस वाले इंक्लूड को छोड़ दो तो क्या बची, 3 माइनस 2x, तो लिख लो 3 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। ओके, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस 2x, माइनस 2x को लेफ्ट से राइट में ले आया तो प्लस का 2x हो गया और माइनस 1 को दर ले गया तो प्लस 1 हो गया, क्योंकि दोनों माइनस थे एक साथ लिख दिया, कौन सा रूल लगा, रूल 2। तो कितना होगा ये 2x इज लेस देन 4, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या हुआ, बोथ साइड 2 से डिवाइड करा, सो करना चाहिए ये आपकी चॉइस है, रूल यहां लिख देना चाहिए, कौन सा यूज हो गया, पॉजिटिव से हम मल्टीपल करें या डिवाइड करें तो रूल 3 कहलाता है, यूजिंग रूल नंबर 3। तो एक तो हमें इसे डाल दो फर्स्ट इन इक्वेशन, एक्स की वैल्यू जो है जो भी सॉल्यूशन सेट होगा उसमें एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होगी, 2 भी नहीं होगी क्योंकि इक्वल का साइन, जब ग्राफ करेंगे तो 2 सर्कल बनाएंगे, खाली ब्लैंक छोड़ देंगे। अब दूसरी इन इक्वेशन थी 3 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करते हैं, नाउ वी विल सॉल्व 3 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 7, प्लस 3 को हम लेफ्ट से राइट लेंगे तो माइनस 3 हो गया, प्लस का ट्रांसफर कराया हमने तो कौन सा रूल लग गया, रूल नंबर 1। तो कितना हो गया, माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 7 में से 3 सबट्रैक्ट करा 4। अब क्या करा, माइनस 2, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड्स माइनस 2 से मल्टीपल कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जब माइनस से मल्टीपल या डिवाइड कर देते तो ये रिवर्स हो जाती है, इंक्लूडी विल बी रिवर्स, ये लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर इक्वल टू, ये विशेष ध्यान रखना, अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। कौन सा रूल लगाया हमने, यूजिंग रूल नंबर 4। तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, एक्स बचा इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2,
टू से फोर टू वर कैंसिल माइनस ही, ये सेकंड। अब दोनों को कंबाइन करके लिख लो, एक्स की वैल्यू प्लस टू से छोटी है और एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी है, तो इससे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, जो एक्स की वैल्यू है एक्स इज ग्रेटर देन टू और ये हाँ कुछ गलत कर दिया, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू, ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू और लेस देन प्लस टू, ये हुआ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू और लेस देन टू। ठीक, अब इसको हम देख ले, इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन पर लो, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू से बड़ी और प्लस टू तक है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए वन टू टू आ गया, बस बहुत है, इसके आगे कितना लेना आपकी मर्जी, कितने भी लो। माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू, इक्वल का भी साइन लगाया तो माइनस ऊपर एक सर्कल बनाओ और इसे फिल भी कर दिया, फिल क्यों कर दिया क्योंकि माइनस टू के साथ इक्वल का साइन, लेस देन टू टू पर एक सर्कल बनाओगे लेकिन इसे फिल नहीं करोगे क्योंकि टू प्लस टू के साथ इक्वल का साइन है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को नंबर लाइन को थोड़ा डार्क कर दीजिए। तो ये ग्राफ हो गया जो हमें इंडिकेशन दे रखी थी, कौन सी द्वारा से दिखा दे रहा हूं, ये माइनस वन इज लेस देन थ्री माइनस टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन, इसको सॉल्व करके जो एक्स सॉल्यूशन सेट निकल गया, ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, एक्स का सॉल्यूशन ये हुआ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन टू, और ये इसका ग्राफ हो गया या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो भी डार्क लाइन है वो सारा का सारा इसका सॉल्यूशन, ये पूरा सर्कल से मतलब केवल टू पर है तो टू, ये नहीं आप सोचो टू से बाहर निकल गए कि 2.1 है ना माइनस 2.1, वो नहीं, जो तो हम करते हैं सर्कल थोड़ा बहुत तो बाहर जाएगा, चलिए टू पर करा है, यहाँ देखेंगे माइनस टू, आप कहो सर ये तो इधर पॉइंट देखा जाए तो आपके बाद सही है, सोचोगे लेकिन गलत है ना, गलत मतलब सॉल्यूशन यही होगा बस माइनस टू या उससे बड़ा नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन सिक्स, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन माइनस थ्री इज लेस देन एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू नाइन माइनस टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर, एक्स की वैल्यू क्या है नेचर नंबर है, इसको हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है ना, क्या क्या होगा, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को भी। तो ये हमने लिख लिया माइनस थ्री इज लेस देन एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल नाइन माइनस टू एक्स, इक्वल का भी साइन लगा हुआ है ना, लेस देन इक्वल टू नाइन माइनस टू एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर, यानी कि एक्स क्या है नेचर नंबर। चलिए वही दिस इन इक्वेशन हैज टू पार्ट, छोटी सी लैंग्वेज लिख देते पहले, दिस इन इक्वेशन हैज, राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, हाँ मैं भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी गंदी राइटिंग है। ओके, दिस इन इक्वेशन हैज टू पार्ट्स, कौन कौन से, एक तो ये है माइनस थ्री इज लेस देन एक्स माइनस टू, हमने कहा था इंक्लूटिव हटा दो, तो एक ये अब इधर की इंक्लूड हटा दो, तो क्या होती एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू नाइन माइनस टू एक्स, और दूसरी हो गई एंड एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू नाइन माइनस टू एक्स, और नेचर नंबर है ये तो दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, पहले ही सॉल्व करते हैं, तो माइनस टू को इधर ले आए सीधे सीधा, तो माइनस थ्री प्लस टू इज लेस देन एक्स, माइनस का ट्रांसफर करा है यानी कि हमने रूल टू यूज करा है, तो टू में से थ्री सेपरेट करा, माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स, या और बोले तो इसका मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, पहली इन इक्वेशन से सॉल्यूशन निकल के आया द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब दूसरी इंडिकेशन ये, इसको सॉल्व करते हैं, यहां स्पेस से हिंग कर देता हूं मैं लाइन ड्रॉ करके। ओके, दूसरी इंडिकेशन क्या थी, एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू नाइन माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स को मैं राइट से लेफ्ट में ले तो प्लस का हो जाएगा, और इस माइनस टू को लेफ्ट से राइट में लेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा, दोनों सेम थे माइनस के साइन थे इसलिए मैंने एक साथ कर लिया, एक ही रूल लगा इसलिए लिख देंगे हम यूजिंग, कौन सा रूल लगा, रूल नंबर टू, जब माइनस का ट्रांसफर करते हैं तो रूल नंबर टू होता है। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया, थ्री एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाइन प्लस टू इलेवन, थ्री से डिवाइड करेंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू इलेवन अपॉन थ्री, पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड करा है तो यानी कि रूल थ्री यूज करा है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीपल रूल थ्री के अंदर कराते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन थ्री थ्री या नाइन, क्लियर, ये हो गई सेकेंड। फर्स्ट इन इक्वेशन हमारी बनी थी एक्स की वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर है,
और सेकंड बनी एक्स की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 3 होल 2 बाई 3, दोनों से मिलकर क्या हुई कंबाइंड वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन वी गेट एक्स की वैल्यू क्या आई, उसमें क्या था माइनस 1 से ग्रेटर है और सेकंड से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3 होल 12 है। अब हमें वो वैल्यू पुट करनी है इसमें जो माइनस 1 से तो बड़ी हो और 3 होल 2 अपॉन 3 से छोटी, लेकिन एक्स यहां हमें दे रखा था एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 जो इसको सेटिस्फाई करा है, 3 होल समथिंग, तो इससे छोटा जस्ट नेचुरल नंबर कौन सा जो होना 3, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ था और इससे छोटा क्या हुआ 3, तो 1 2 3 इसके सॉल्यूशन सेट हो गए। सॉल्यूशन सेट्स ऑफ एक्सेस, सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3। आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि माइनस 1 से बड़ा तो 0 होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, माइनस 1 से बड़ा 0 है, 0 होना चाहिए। कब होता अगर यहां लिखा होता x belongs to whole number, क्योंकि 0 नेचर नंबर नहीं है, ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। x क्या है नेचर नंबर, नेचर नंबर 1 2 3 4 5 6, 4 क्यों नहीं है क्योंकि 4 की वैल्यू उससे बड़ी हो गई, इससे जस्ट छोटा नेचर नंबर 3 है, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। ओके तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन दे रहे, 5 तक हो गए, 6 तक हो गए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।